Hi. राकेश ने जब कहा कि ये खूबसूरत लड़की है तो मुझे लगा कि कौन हो सकती है, लेकिन तुम तो खूबसूरती से भी बढ़कर खूबसूरत एंजल हो। ये तो हर उस कमीने की कहानी है जो लड़कियों को बुक करने के बाद भौंकते हैं। वैसे मैं तुम्हें एक बम्पर ऑफर देना चाहता हूं। तुम महीने में कितना कमाती हो बताओ? मैं उससे भी डबल दूंगा। मेरे साथ रहो, क्या कहती हो? सर, मैं यहाँ सिर्फ आपके साथ एक नाइट बिताने के लिए आई हूँ, और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं आपके साथ एक महीने रुकूं? एक काम करती हूँ, पूरी लाइफ रुक जाती हूँ। शादी करोगे? इतनी अकड़ दिखाती है, तेरी तो शादी करनी है तुझे। शादी के बाद भी तुझे यही चाहिए ना? तेरी सारी अकड़ अभी ठंडी करता हूं मैं। अरे हैदराबाद तुझे जाना है, पहले तू खा ले। अब इसे खिलाने से तुझे देर नहीं हो रही है क्या? अरे दीदी, मैं तो वैसे भी शहर जा रही हूँ, पता नहीं फिर कब लौटूंगी, तो अभी इसे खिलाने दो ना। ओ अच्छा दीदी, फिर पिछले 10 दिनों से स्वाति को निवाला बना बना कर कौन खिला रही है, जरा बताओ तो मुझे। अरे सुवर्णा, आजकल तू कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है, तुझे तो बताती हूँ। अरे किशोर, तेरे साथ कुछ बात करनी है, अपने पास के होटल में आ जाना। इतनी सुबह सुबह आना पड़ेगा क्या? हाँ यार, अभी आना पड़ेगा, अर्जेंट है। क्यों, बात नहीं करेगा? चल ठीक है, आ जाओ, रख फोन। चला जा। हैदराबाद में तू अकेली रहेगी, पता नहीं वहाँ कैसे रहेगी, थोड़ा ध्यान से रहना मधु। दीदी मैं हैदराबाद शहर में कोई अकेली थोड़ी ना रहने वाली हूँ, मेरे साथ मेरी रूममेट काव्या भी तो रहेगी ना, तो आप मेरे लिए फिक्र मत करो, मैं तो कहीं भी एडजस्ट कर लूंगी, बस आप सब खुश रहना। और जल्द से जल्द आपको जीजू से मिला दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। दीदी क्या हुआ? इस बार जब आप आओगी तो मुझे एक साइकिल खरीद के दोगी ना? तुझे बस एक साइकिल ही चाहिए ना? ठीक हाँ। है दीदी, आज ही इसके लिए एक अच्छी सी साइकिल खरीद देना। साइकिल की बात बाद में करते हैं, पहले ये बता हैदराबाद में तू क्या करती है? जब भी हम पैसे मांगते हैं तू 50-60 हज़ार भेज देती है, असल में तुझे इतने पैसे कहाँ से मिलते हैं? दरअसल मैं फिलहाल वहाँ एक रियल एस्टेट में एक एम्प्लॉय के तौर पर काम कर रही हूँ, तो पैसों की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ। नहीं समझी क्या? कैसे समझाऊं? हाँ मान लो कोई लैंड है, अगर मैंने उस लैंड को किसी कस्टमर को बेच दिया तो उस लैंड का जो ओनर है ना, वो मुझे पूरा 5% कमीशन देता है, मतलब 1 लाख में करीब 5 हज़ार। अच्छा ठीक है, फिर भी तुम अच्छे से रहना। ठीक है चलो, टाइम हो रहा है। पता नहीं ये बस कब तक आएगी, मैं इससे चली जाती हूँ दीदी। ठीक है जाओ। अरुणा, स्वाति ठीक से स्कूल जाना है, ठीक है ना? ठीक है बाय दीदी। ठीक है दीदी बाय। भैया ध्यान से लेकर के जाना। हाँ ठीक है। तो ख्याल रखना, हाँ पहुँचते ही फोन करना। आप लोग अपना ख्याल रखना, बाय।
रुक, एक दो तीन और एक चार, टोटल सात हुए। अब तक सात प्लेट हो गया। और सात प्लेट खाऊंगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन पैसे भी तो चाहिए ना। वो भी मिल जाएंगे, बस मेरे दोस्त को आने तो दो। मतलब जेब में पैसे नहीं है? पैसे होते तो तुम्हारे होटल में क्यों आता, बगल वाले में जाता ना। शर्म नहीं आती है क्या? जेब में 10 रुपए नहीं है और होटल में चले आते हो खाने को। सात प्लेट खाना देने से पहले जेब चेक करना चाहिए था ना, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। अगर तूने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए तो बताऊंगा तुझे। आया बड़ा निकल, पता नहीं कब आ गई है, इतना टाइम हो गया अब तक नहीं आया, ये आ गया। आइए सर आइए, हमें तो जल्दी बुला लेते हैं और खुद लेट आते हैं, क्या है ये सब? क्यों, मेरे लिए थोड़ा वेट भी नहीं कर सकता क्या? हाँ, बहुत वेट किया है मैंने, तो खाने का पैसा तू ही देना। तूने आज तक कभी पैसे दिए हैं क्या जो आज? अरे छोड़ना वो सब, पहले ये बता किस लिए बुलाया मुझे। बैठ जा, बताता हूँ। यार मुझे 30 लाख रुपए चाहिए। क्या कहा? 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए? हाँ। पर किस लिए? मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा हार्डवेयर का शॉप लगाऊं, कुछ पैसे हैं मेरे पास और 30 लाख मिल जाए तो मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। अच्छा 30 लाख बाद में देख लेंगे, पहले ये बता कि तेरे पास कितना है। करीब 6-7 लाख तो है। 6-7 लाख है तेरे पास? पिछले 3 सालों से LIC में काम कर रहा हूँ, कभी इतना पैसा देखा तक नहीं, और तू ऐसे ही खाली पीली घूमता है। तेरे पास इतने पैसे कैसे आए? तूने अपनी सारी कमाई यहाँ वहाँ पे उड़ा दी है, और मैंने एक एक पैसा जोड़कर बैंक में रखा हुआ है, बस यही बात है। तो अभी क्या करने के लिए बोल रहा है तू? मुझे बस 30 लाख रुपए चाहिए। अरे मेरे पास 30 रुपए नहीं है। अरे हाँ बाबा मैं जानता हूँ यार, और मैं तुझसे नहीं मांग रहा हूँ, तू टेंशन मत ले। बच गया। तेरे जान पहचान का कोई है क्या जो मुझे ब्याज पे पैसा दे सके? कोई नहीं है, और अगर कोई होगा भी तो सिक्योरिटी कौन देगा उसे? अरे तू तो है ना यार। क्या कहा मैं? हेलो सुनो, मैं जो नौकरी करता हूँ ना, उसे पाने के लिए भी उधार लेके पैसे देने पड़े थे मुझे, और सिक्योरिटी की बात करता है, मेरे नाम पे लोग पैसे मांगेंगे, देगा कोई नहीं, तू भी ना। तो फिर कैसे करूं यार? हाँ एक आइडिया है। क्या? बैंक से लोन क्यों नहीं ले लेता? मेरे पास क्या है बैंक से लोन लेने के लिए? ये भी सही बात है। हाँ एक और आइडिया। अब क्या है? मेरे ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, हो सकता है कि उनमें से कोई तुझे दे दे पैसा, या हो सकता है उनके जानकारों में कोई देने वाला हो, मैं ट्राई करता हूँ। बस ये एक हेल्प कर दे यार। अरे करूंगा ना यार, तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? आखिर तू मेरा दोस्त है। अभी उतना मत बोल। और ये काम तुझसे फ्री में नहीं कराऊंगा, तुझे 20,000 दूंगा। 20,000? हाँ। सच में? अरे हाँ सच में। थैंक यू। 20,000 बाद में देना, पहले ये 320 रुपए दे दो। 320 रुपए हो गए? 7 प्लेट भर के खाया है। अबे भुक्कड़ कोई इतना प्लेट खाता है क्या? हाँ दीदी। हाँ मधु, ठीक से पहुँच गई ना? हाँ हाँ बस अभी पहुँची हूँ। हाँ ठीक है, टाइम पर खा लेना। ठीक है दीदी, बाय। ठीक है, रखती हूँ, ख्याल रखना। मधु कितने दिन के बाद देख रही हो तुझे, गांव से लौटकर अब आ रही है तू? तेरे जाने के बाद रूम में कितना अकेला महसूस करती थी मैं, जानती है कितना बोर हो गई थी मैं तेरे बारे में, रोज सोच सोच के ठीक से खाना भी नहीं खा पाती थी मैं, जानती है? ये सब तो झूठ है, अब सच क्या है वो बता। मतलब वो ये वो नहीं, सच बता। ठीक है बताती हूँ मैं, तुझे इतनी जल्दी क्यों है, पहले जाकर फ्रेश होकर आ जा। इसका मतलब कुछ तो है, चल बताओ बता बता क्या हुआ, क्या हुआ अब तक? बोला ना बता दूंगी, तो जाकर फ्रेश होकर तो आ। नहीं पहले तो बता। मैं बता दूंगी ना, अब जा जा ना। अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ।
तेरा बॉयफ्रेंड भी है, मुझे पहले क्यों नहीं बताया तूने इस बारे में? मतलब वो काफी टाइम से मुझसे प्यार करता है, इस बारे में बताने से पहले ही तू गांव चली गई थी। ये बात फोन पर भी बता सकती थी ना? मतलब तू अपनी फैमिली के साथ बिजी थी ना, तो मैंने सोचा कि जब तू वापस आ जाएगी तब तुझे बता दूंगी। अरे तूने बहुत सोच लिया। उस लड़के का नाम क्या है? किशोर। क्या करता है वो? कह रहा था कि LIC में कोई जॉब करता है। कहा था का क्या मतलब? तू नहीं जानती है क्या? मतलब अभी अभी तो हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई है, एक साथ सब कुछ पूछना अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए सोचा धीरे धीरे उससे सब बातें पूछ लूंगी। लेकिन वो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है, पता है वो मुझे बहुत पसंद करता है। अच्छा तो कहानी अभी अभी शुरू हुई है, धीरे धीरे तुझे सब समझ में आने लगेगा। जी बुआ। घर में अब तू ही बड़ा है, भाई का ख्याल रखना। ठीक है बुआ जी। अगर वो कोई गलती करे तो उसे 4 गाली दे देना, 4 मार देना, लेकिन ख्याल रखना। ठीक है, रखूंगा। बाबू मंडेला। माँ। तेरा भाई जो कहे वही सुनना। ठीक है माँ। जैसा तुम्हारा नाम है वैसे ही तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देते रहना। मेरे 10 लाख कब वापस लौट आएगा? मतलब भैया वो क्रिकेट में बैटिंग की थी ना तूने? तो मैं बैटिंग पे पैसे लगाने के लिए तुझे मैं ही मिला। वो काम तो अपने पैसों से भी कर सकता था ना। हाँ लेकिन बस 10 लाख की ही तो बात है ना भैया, अगले 1 हफ्ते के अंदर आपको दे दूंगा। ये बात मैं पिछले 3 महीने से सुनता आ रहा हूँ। देख मंडेला, तेरी माँ ने तेरा ख्याल रखने के लिए मुझे बोला था, लेकिन पैसों के मामले में तू अपनी जगह और मैं अपनी जगह हूँ। भैया कहा ना आपका 10 लाख रुपए 1 हफ्ते के अंदर दे दूंगा, आपकी कसम। मैं तेरे बारे में अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैंने तुझे अपने पास ना रख के दूर रखा है। क्या सोच रहा होगा, कहीं 10 लाख का ब्याज तो नहीं लगाएगा? मैं तुझे 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, अगर इस बीच पैसा नहीं दिया ना तो सुन ले। हेलो सर। हाँ मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। हाँ 1 हफ्ता याद है ना, भूलेगा तो नहीं। कौन देगा इसे 10 लाख? सर कुछ और चाहिए क्या? सर 10 लाख रुपए चाहिए देगा क्या? 10 लाख रुपए चाहिए देगा? मैं कहाँ से दूंगा 10 लाख रुपए चाहिए देगा? पूछता क्या चाहिए आपको? अब ये 10 लाख रुपए कहां से अरेंज करूं? भावना यू डोंट वरी, तुझे कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए मैं हूं ना, ओके ना? ओके ओके। बारे में जरा सोचना पड़ेगा। टच में रहना, जरूरत पड़ने पे बुलाऊंगा।
बेटी क्या चाहिए? एक प्लेट इडली और वाटर बॉटल। एक प्लेट इडली और एक पानी का बॉटल। ओके। वाटर बोतल। क्या हुआ? डोसा तो तुम्हारा खत्म हो चुका है, सिर्फ चटनी चाट रहे हो। तुम्हें और कुछ चाहिए क्या? और कुछ नहीं चाहिए। इनकी नजर तो हर तरफ रहती है। कोरोना को बीते इतना समय हो गया है, फिर भी ऐसे लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। मेरी फूटी किस्मत, छट, क्या जिंदगी है यार। मतलब वो मुझे 20,000 रुपए चाहिए, 10 तो मेरे पास है, और 10 तू दे देगी तो चलेगा। 10,000 वो किस लिए? और वैसे भी तो तेरा बॉयफ्रेंड है ना, उससे मांग लेना। तूने तो कहा था वो तेरे लिए कुछ भी कर सकता है। मतलब ये पैसा उसके लिए चाहिए? वो मुझसे मांगना नहीं चाहता था, पर अगर नहीं दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। ए सुन, मुझे तो अब उस लड़के पर सच में शक होने लग गया है। वो प्यार के नाम पे तेरा इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है ना? संभल के रहना। नहीं यार, वो वैसा इंसान नहीं है। ये देख, ये गोल्डन रिंग उसी ने दी है। ये उसका बिजनेस स्ट्रेटजी होगा, पहले वो तुझ पर थोड़ा खर्च करेगा और फिर तेरा सब कुछ लूट कर चला जाएगा। बाप रे, तू समझती क्यों नहीं है? वो वैसा इंसान नहीं है, मैं जानती हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे पैसे क्यों मांग रही है? जाके अपनी अंगूठी क्यों नहीं बेच देती? पर ये हम दोनों के प्यार की निशानी है, मैं बेच नहीं सकती। तो ठीक है, फिर इसे गिरवी रख दे। बस कर, तू पैसे देने वाली है या नहीं बस मुझे इतना बता दे, ज्यादा ज्ञान मत दे। मेरी बात तो सुन यार। मैं तेरी कोई बात नहीं सुनना चाहती, लास्ट एंड फाइनल पूछ रही हूँ, तू पैसा देगी या नहीं देगी? ठीक है। थैंक्स यार। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। तू जा रही है पर कहाँ पर? उसको पैसे देकर आने हैं ना, इसलिए। तू पैसे ट्रांसफर भी तो कर सकती है ना? मतलब उसने मुझे ही लेकर आने को कहा है। ठीक है, जा। बाय। बाय। तुझे उसका चेहरा देखना चाहिए था। तेरे दोस्त का? बहुत ही फनी था। सुनना, बोलना क्या लेगा? पैसा तो तू देने वाला, चाहे जो भी मंगा ले। तेरी तो। 2 वाटरमेलन जूस। ओके सर। फ्रेश लाना, ठीक है? ओके सर। ए, जिंदगी में कभी ना कभी तो पैसा देना सीख ले भाई। बहुत मुश्किल है यार, पर तेरे लिए कोशिश करूंगा। हाँ, तू बहुत करेगा। कमीना। बाप रे, क्या लड़की है। कौन लड़की है? तेरे पीछे लड़की है। इस लड़की को मैंने कहीं पर तो देखा है। हाँ, ये यहाँ क्या कर रहा है? काश ये लड़की मेरी जिंदगी में आ जाती, मेरी जिंदगी तो जन्नत बन जाती यार। अबे, तू पहले से एक लड़की से प्यार करता है तो फिर ऐसा करना जरूरी है? अरे, शादी एक लड़की से ही करनी चाहिए, लेकिन प्यार 10 लोगों में बांटना चाहिए, जॉन होसले ने कहा है। क्या जॉन होसले? हाँ। ये कौन है? मुझे क्या पता, चप्पल से मारूंगा अगर दोबारा ऐसी बात करेगा ना तो, देख ले। ओके ओके,
आई एम हंग्री, जूस कहाँ है यार? वो देख आ गया। ओ हाय। हाय सर, आपका वाटरमेलन जूस सर। मैं ले लूंगा। थैंक यू सर। स्ट्रॉ। उसका एड्रेस भी मांग ले। वाह मजा आ गया यार। वाह तो पी। अब तुझे क्या हो गया, जूस पीना? ओके। भैया बैठिए ना, बैठिए। ये अचानक से यहाँ कैसे आ गया? अब मैं तुझे और क्या बोलूं? तेरे पास ये सब करने के लिए कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरा पैसा देने के लिए नहीं है। अरे एक इंसान में मान सम्मान, जबान का पक्का होना, अरे कम से कम इतना तो तुझे सीख लेना चाहिए था ना। क्यों झूठ बोलता है तू मुझसे? हाँ लेकिन वो भैया। अरे तूने कहा था ना कि एक हफ्ते में तू मुझे पैसे लौटा देगा, लेकिन वो सब भूल कर तू यहाँ एक प्लेट में ये चिप्स रखकर, एक प्लेट में चिकन फ्राई रखकर और एक प्लेट में उबली हुई मूंगफली रखकर खा रहा है तू। अब तू ही बता मैं तुझे क्या बोलूं? बोलना गधे, सुअर, उल्लू के पट्टे। भैया दरअसल बात यह है कि आपकी भुनी हुई दाल। उत्तरी, अरे कमीना जल्लाद कहीं का, तुझे भी अभी ही लाना था क्या? सर ऐसे क्या देख रहे हैं, पहले ये लीजिए। अरे बाप रे, भुनी हुई दाल भी खा रहा है तू, तुझे तो मैं ना। अरे भैया रुकिए, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए, मुझे दो दिन का टाइम दीजिए, मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। अगर नहीं दिया तो नर्सिंग पेट का वो लैंड है ना, वो आपके नाम कर दूंगा। ओके ना? अरे बाप रे, नर्सिंग पेट की लैंड, अगर उस लैंड को बेचूंगा तो माला माल हो जाऊंगा। दो दिन रुकता हूँ तो डबल फायदा होगा, अगर पैसे दिए तो ठीक, नहीं तो लैंड ले लूंगा, दोनों तरफ से मुझे ही फायदा है। सुन रहे छोटू लाल, तू मेरा भाई है इसलिए मैं तुझे दो दिन का टाइम और देता हूँ, तब तक तू खुद ही आके पैसे दे देना, अगर नहीं आया तो। समझ गए, मेरी सारी मूंगफली भी ले गया। अरे मेरी बियर। सर मेरी एक छोटी सी हेल्प कर देंगे तो मेरा हार्डवेयर शॉप खड़ा हो जाएगा सर, बहुत मेहरबानी होगी सर। ठीक है कार्तिक, जब तुम मुझसे इतना कह ही रहे हो तो तुम्हें जब जरूरत हो आ जाना, मुझसे जितना होगा मैं दे दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। ठीक है, थैंक यू, बाद में मिलते हैं। हाँ किशोर बोल। सुन जल्दी से 20,000 तैयार रख। वो क्यों? सुदर्शन नाम का एक बहुत बड़ा बिल्डर है, वो लोगों को ब्याज पर पैसा भी देता है। मैंने तेरे लिए पैसे के बारे में उससे बात की है और उसका लोकेशन भी तुझे भेज दिया है, बाकी की बात है तू उससे मिलकर ठीक से कर लेना। ठीक है, थैंक्स यार किशोर। थैंक्स, बाद में, वो 20,000 की बात भूल मत जाना। हाँ ठीक है यार। कितना चाहिए तुम्हें?
30 लाख रुपए चाहिए भाई। तुम्हारे पास कोई सिक्योरिटी है? भाई मैं एक अनाथ हूँ, छोटे छोटे काम करके मैंने डिग्री तक पढ़ाई की है और आगे पढ़ नहीं पाया और ना ही कोई नौकरी मिली, तो सोचा कि छोटा मोटा कोई काम धंधा शुरू करूँ। फिर ख्याल आया कि एक हार्डवेयर शॉप खोल लूँ। इसके लिए किशोर से पैसे मांगे थे और उसने आपके बारे में बताया। अब रही श्योरिटी की बात, तो हर महीने के 1 तारीख को आपके हाथ में आपका ब्याज का पैसा ऑन टाइम मिल जाएगा भाई, पक्का, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। और अगर आपको कोई शक है तो फिलहाल मेरे पास जो पैसे हैं, मैं उन पैसों से पहले बिजनेस शुरू करता हूँ और फिर उसके बाद आप उस बिजनेस के खातिर मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए। ठीक है, समझ गया। और अब जब तुम इतना बोल रहे हो और बिजनेस भी तुम अपने पैसों से करना चाहते हो, हाँ, तो मैं तुम पर भरोसा करके पैसे दे सकता हूँ तुम्हें। 2 दिन के अंदर फोन कर लेना और पैसे ले जाना। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच भैया। हेलो। हेलो मधु, तुम ही हो ना? हाँ, आप कौन? राकेश ने तुम्हारा नंबर दिया था, रात में फ्री हो? ठीक है, कहाँ आना होगा? कहाँ आना है ये मैं तुम्हें शाम को फोन करके बताता हूँ। हेलो, क्या तुम ही कार्तिक हो? हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? रोहिणी ने तुम्हारा नंबर दिया था। आई एम सो सॉरी, मैंने वो काम छोड़ दिया। काम छोड़ दिया? कोई बात नहीं, तुम जितना लेते हो उसे 10,000 ज्यादा दूंगी। हेलो, 10,000 नहीं, 10 लाख भी दोगी तो भी नहीं जाऊंगा। और इस बारे में मुझे दोबारा कॉल मत करना प्लीज। रही श्योरिटी की बात भाई, तो हर महीने की 1 तारीख को आपको आपका ब्याज का पैसा मिल जाएगा। तुम जितना लेते हो उसे 10,000 ज्यादा दूंगी। हेलो, हाँ कहाँ आना है? कार्तिक? हाँ। कम इन। रोहिणी ने जितना बताया था उसे कई ज्यादा हो। 10,000 ज्यादा दूंगी फिर भी तुमने मना कर दिया था, फिर तुम्हारा मन कैसे बदल गया? वो इसलिए कि क्योंकि मुझे जरूरत है पैसों की। तुमने क्या कहा अभी? हाँ, जरूरत, सही कहा। जरूरतें इंसान को कुछ भी करने को मजबूर करती हैं। मेरे पास एजुकेशन है, पैसे हैं, मेरा पति भी है, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी। आय हाय, राकेश ने जब कहा कि ये खूबसूरत लड़की है तो मुझे लगा कि कौन हो सकती है, लेकिन तुम तो खूबसूरती से भी बढ़कर खूबसूरत एंजल हो। ये तो हर उस कमीने की कहानी है जो लड़कियों को बुक करने के बाद भौंकते हैं। वैसे मैं तुम्हें एक बम्पर ऑफर देना चाहता हूँ। तुम महीने में कितना कमाती हो बताओ? मैं उससे भी डबल दूंगा, मेरे साथ रहो, क्या कहती हो? सर, मैं यहाँ सिर्फ आपके साथ एक नाइट बिताने के लिए आई हूँ और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं आपके साथ 1 महीने रुकूं? एक काम करती हूँ, पूरी लाइफ रुक जाती हूँ। शादी करोगे?
इतनी अकड़ दिखाती है, तेरी तो शादी करनी है तुझे। शादी के बाद भी तुझे यही चाहिए ना, तेरी सारी अकड़ अभी ठंडी करता हूं मैं। सर, सर। मैडम, मैडम, सर, मैडम। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। रात भर हम दोनों एक साथ ही थे, मैंने ही डोर लॉक किया था। किसी के अंदर आने का कोई चांस ही नहीं है। कहीं मेरे सोने के बाद इसने डोर तो ओपन नहीं किया। इसका मतलब रात को कोई रूम में आया था। रात में कोई रूम के अंदर आया था। अब क्या करूं? होटल वालों को बता दूं क्या? सच बताऊंगी तो वो मानेंगे क्या? बिल्कुल नहीं मानेंगे। ऊपर से मुझे ही फंसा देंगे हत्यारा साबित करके। अगर पुलिस को बता दूं तो? रात भर तू ही रूम में था ये बोलकर वो बुरी तरह से पकड़ेंगे। ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। अगर यहाँ से भाग गई तो? इससे बढ़िया ऑप्शन और कुछ हो ही नहीं सकता। तो किसका इंतजार कर रही है? भाग जाओ। भाग जा, चल। ये यहाँ क्या कर रही है? होटल में ये क्या कर रहा है? ये कोई हाउसकीपर या रिसेप्शनिस्ट है यहाँ की? ये होटल बॉय तो नहीं, या फिर कस्टमर है? लेकिन इसे देखकर लगता तो नहीं है। उसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता है। आखिर कौन हो सकती है ये? चीजे, अरे यार कार्तिक, तू उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा है? पहले अपने बारे में सोचना। यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा पहले वो तो सोच। वो कौन हो सकती? ये क्या सोच रही है तू? खुद के बारे में सोचना। यहाँ से कैसे बाहर निकलेगी वो सोच। वो मुझे देखकर घबरा क्यों रहा था? ये मुझे देखकर इतना डर क्यों रही है?
मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। देखिए, इस मर्डर के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। एक्चुअली मैं तो यहाँ आपके रूम में भी मर्डर हुआ है। जी हाँ, पूरी रात तो ये आपके भी रूम में। तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? कुछ भी नहीं, ये मर्डर तुमने तो नहीं किया। हेलो, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं क्यों मर्डर करूंगा इसका? और नहीं तो क्या, तुम्हारे रूम में ये लाश कैसे? हाँ, मैं भी वही पूछ रहा हूँ, तुम्हारे रूम में वो लाश कैसे आ गई? पता नहीं, मुझे नहीं पता। हो सकता है दोनों मर्डर तुमने ही किए हो। हाँ, अच्छा। मैं तो जानता हूँ कि मैंने कोई मर्डर नहीं किया है, तो मेरा शक तो आखिरकार तुम पे ही जाएगा ना। आने दो, पुलिस को आने दो, उनके सामने ही सब कुछ बता दूंगा। ए, मैं क्यों किसी का मर्डर करूं? ये तो और क्या, तुम अपना रूम छोड़कर भला मेरे रूम में क्या कर रही हो? दरअसल जल्दबाजी में अपना रूम समझकर तुम्हारे रूम में आ गई। तुम्हारी ये हरकतें देखकर ना मेरा शक तो बढ़ता ही जा रहा है, ये दोनों मर्डर तुमने ही किए हैं। माँ की कसम खाती हूँ, मेरा इन दोनों मर्डर से कोई संबंध नहीं है, यकीन करो मेरा। है ना, मैं भी वही कह रहा हूँ, इस मर्डर से मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन कोई तो मर्डर करके यहाँ से भाग गया है, ये पक्का है। तो अब हम क्या करेंगे ये बताओ? करने के लिए बचा ही क्या है, जो करना था वो सब तो पहले ही कर दिया। पहले हम यहाँ से बाहर तो निकलते हैं और बाद की बात में सोचेंगे। चलो चलते हैं यहाँ से। पहले तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा। मैं किस लिए? नहीं, दोनों साथ में निकलेंगे। वॉशरूम जाना है मुझे, चलोगी क्या? बोलो चलोगी? तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो, मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है। ये सब देखने के बाद भी तुम्हें डर लग रहा है? बात वो नहीं। क्या बात नहीं है, पहले यहाँ से निकल के मेन रोड पे वेट करो मेरा, मैं बस 10 मिनट में आता हूँ। सच में आओगे ना? हाँ सच में आऊंगा। वादा करो। ऐसे टाइम पे वादा चाहिए क्या? वादा, अब जाओ। तुम सच में आओगे ना? हाँ सच में आऊंगा 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 आऊंगा। अब इसे क्या याद आ गया? ध्यान से आना। थैंक यू सो मच, अब जाइए ना। हेलो भैया। बेटा मंडेला, क्या कर रहा है रे बेटा तू? मैं सो रहा हूँ भैया। अच्छा सो रहा है तू, तो मेरा पैसा कौन देगा रे बेटा? मैं ही दूंगा भैया। तू देगा ना, तो भैंस की तरह बेड पे क्यों लेटा हुआ है? ए, बोला था ना 2 दिन में देगा, आज 2 दिन पूरे हो गए, अगर आज तूने पैसे नहीं दिए ना। अरे भैया आज पक्का मैं आपके पैसे दे दूंगा, चिंता मत कीजिए ना। वैसे आप कहाँ पर हो? घर पर हूँ मैं। ठीक है, आप वहीं पर रहिए, मैं अभी आता हूँ। हाँ मैं रहूंगा, तू आ जा। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? मधु। और तुम्हारा? कार्तिक। लगता है आ गया। कहाँ गया,
भैया मैं आ गया। तुझे क्या हो गया रे? सफेद टी शर्ट, नई जीन्स, नए जूते, चेहरे पे सफेद पाउडर पोत रखा है, क्या बात है रे बेटे? लॉटरी लग गई क्या तेरी? लॉटरी नहीं भैया, एक बहुत अच्छी पार्टी मिली है। पार्टी मिली है? कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी? पार्टी का मतलब वो पार्टी नहीं, एक मालदार कस्टमर मिला है। अरे अगर तुझे कस्टमर मिला है तो मैं क्या करूं? चुपचाप मेरा पैसा दे और यहाँ से 9:11 हो जा। अरे आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं भैया? ठीक 10 बजे वो कस्टमर आएगा और मुझे पैसे देगा, वो पैसे मैं आपको दे दूंगा। अरे तो इसमें मैं क्या करूं? वेट करो, जब इतने दिन वेट किया तो थोड़ी देर और कर लो। अरे टाइम बस पैसा पैसा करते हो। मुझे बोलता है मैं वेट करूं इसका। तुम कॉल बॉय हो? ए, इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हो? तो और क्या करूं, मुझे तो लगा था कि तुम कोई डॉक्टर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगे, तुम तो कॉल बॉय हो। हेलो, मैंने तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, और तुम जानती नहीं हो मैं ना खुद को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। वैसे ये बताओ तुम क्या करती हो? मतलब वो मैं भी। हाँ, मैं भी क्या? तुम्हारी तरह। मेरी तरह? कॉल गर्ल। मतलब तुम एक कॉल गर्ल हो? ए, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों नहीं चिल्लाऊं? मुझे तो लगा था तुम कोई कॉलेज स्टूडेंट या फिर कोई डॉक्टर या इंजीनियर हो। कॉल गर्ल हो मतलब तुम और मैं। क्या जिंदगी है यार अपनी, इसकी तो। ठीक है, अब हम एक दूसरे को जान गए ना, अब वो मर्डर किसने किया ये सोचो। अब मैं कैसे सोचूं? वो लोग मर कैसे गए ये नहीं पता, मारने वाला बंद कमरे में आया कैसे वो भी नहीं पता, और मरने वाले कौन है ये भी नहीं पता, और अब मैं कहां जाऊं ये भी तो नहीं पता है मुझे। इन सारे सवालों के बीच तुम मुझे सोचने के लिए बोल रही हो? अच्छा अभी मुझे एक डाउट है। क्या डाउट है? वहाँ पर दो मर्डर्स हुए थे है ना, वो भी अलग अलग कमरों में। मेरे रूम में जिसने मर्डर किया उसने तुम्हारे लॉक वाले रूम में भी जाकर दूसरा मर्डर क्यों किया? वही तो समझने के लिए मैं अभी तक सोच रहा हूँ इसकी तो। ये अभी क्या सोच रहा होगा? वैसे आप मुझे घूर क्यों रहे हो? मुझे तुझ पे छोटा वाला नहीं बहुत बड़ा वाला शक हो रहा है। किस बात का शक हो रहा है? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे मारने के लिए तूने कोई जाल तो नहीं बिछाया ना मेरे बेटे? वाह भैया वाह, कैसी बातें कर रहे हैं आप। जब से माँ बोलकर गई है तब से मैंने कभी आपके खिलाफ कुछ बोला है क्या? नहीं बोला। आपसे जितनी बार भी पैसे लिए कभी रोके हैं क्या? नहीं रोके। 30 सालों से आप मुझे अच्छे से जानते हो, तो क्या मेरे लिए 30 मिनट तक वेट नहीं कर सकते आप? बैटिंग का बादशाह बन गया है ना रे तू। इंतजार करूंगा मैं, हर हाल में इंतजार करूंगा। क्या हो गया? इसका फोन अब बंद क्यों आ रहा है? अब क्या बोलूं? हत्या करने वाला जब होटल में हमारे कमरे में आया तो वो कहीं ना कहीं तो होटल के सीसीटीवी कैमरे में जरूर आया होगा, लेकिन 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 क्या? चलो सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। अच्छा क्या देखना चाहती हो? अब तुम वहां जाओगी और वो लोग तुम्हें 70mm के स्क्रीन पर फुटेज दिखाएंगे। तो अब क्या करें? पहले हम अगर उन मरने वालों के बारे में पता कर लेंगे तो हो सकता है मारने वाले का क्लू मिल सकता है। तो अब हम उनके बारे में पता कैसे करेंगे? ऐसे बाप रे, लगा था तुम मामूली हो लेकिन बड़े चालाक निकले तुम। थैंक यू। सब तो उसकी ही फोटोज हैं। अरे
तेरी तो मैं ना 10 बजे का बोला था और टाइम 12 से ऊपर हो गया है। 30 मिनट बोला था, 4 बार 30 मिनट निकल गए, और कितनी देर इंतजार करूं मैं? वो कौन है जो तेरी शक्ल देखकर तुझे पैसा दे रहा है, और देगा भी क्यों? बोलना भैया, दरअसल बात यह है कि मैंने एक मर्डर किया है। अबे यार, एक भी फैमिली फोटो नहीं है। अरे कम से कम एक पैन कार्ड या आधार कार्ड भी नहीं है। इस फोन को तो मैं... रुको। इसकी तो मैं... तूने एक मर्डर किया? कब किया बे? कैसे किया? कहाँ किया? भैया वो मैं कल रात को ना, ये तो बता तूने मारा किसको है? रुको मैं अभी दिखाता हूँ। इसको ही मारा। अरे मेरी माँ, अरे मेरे पापा, अरे अबे तूने किसको मारा तुझे पता भी है? मेरा कस्टमर था रे वो। आपका कस्टमर? अबे हाँ। वो दोनों पति पत्नी है। नेल्सन मंडेला और दो मर्डर। ओ सुन भाई मंडेला, इतने बड़े शहर हैदराबाद में तुझे मारने के लिए कोई और नहीं मिला? तेरी खोपड़ी कहीं और नहीं चली? चल ठीक है, तूने मारा, तू उसका मर्डर 2 दिन पहले या 2 दिन बाद कर सकता था ना रे? उसी दिन उसी होटल के अंदर उसी समय मारना जरूरी था क्या? अरे मुझे क्या पता था कि आप भी उसी दिन मर्डर करोगे? आपने मुझे बताए बिना मारा और मैंने आपको बिना बताए, बस ऐसे ही हो गया। ओहो, तूने तो एक ही लाइन में पूरा बयान दे दिया रे मंडेला। तूने मुझे नहीं बताया और मैंने तुझे नहीं बताया, वो सब तो ठीक है, पर तू ये बता उससे मिला कहाँ था? वो उस दिन वाइन शॉप में आपके पैसे मांगकर चले जाने के बाद। कौन है ये? हेलो, क्या तुम ही मंडेला हो? हाँ मैं ही हूँ, आप कौन? मुझे आपसे मिलना है। ओके, तो हम कहाँ मिलेंगे? मैंने उससे फोन पर बात की, जाकर मिल लिया, उसने फोटो दिखाया और मैंने मार दिया। इस रणवे की जिंदगी की तो तुझे उसी दिन फोन क्यों आना था रे? मतलब भैया आपको भी उसी दिन फोन आया क्या? आया क्या, फोन लगा हुआ था तुझसे बात करने के बाद। हाँ। मैं जब फोन लेकर बाहर की ओर गया। हाँ। था ना, उससे ही बात करने गया था। नमस्ते सर, बहुत दिनों बाद याद किया, क्या बात है? तुमसे एक छोटा सा काम है मुझे, लोकेशन भेजता हूँ, आकर मिलो मुझसे। अभी आता हूँ सर। और इस तरह मैंने उससे बात की, उससे जाकर मिला, फोटो देखी। हाँ। पर जब फोटो देखी तब भी समझ में नहीं आया मैंने जिसको मारा वो उसकी पत्नी थी। जब तक तूने नहीं बताया तब तक समझ में नहीं आया था कि हम दोनों ने मिलकर पति पत्नी को मार दिया। तो क्या अब हमारा पैसा नहीं आएगा क्या? जब पति पत्नी दोनों मर गए तो पैसा कहाँ से आएगा रे? तो फिर अब हम क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? तू और मैं मिलकर जुबली हिल सेंटर। हाँ। में यही सब करेंगे बेटा। क्या सोच रहे हो तुम, कुछ तो बोलो। वो और मैं करीब रात के 1:30 बजे तक साथ में लिपटे हुए थे। उसके बाद तो मैं सो गया था और सुबह 7 बजे उठ गया था, यानी बीच के पूरे 5 घंटे। और तुम्हारा सीन कैसा था? रात के 12 बजे तक तो जिंदा था, मैं कुछ देर के बाद सो गई और फिर मैं सुबह 6 बजे उठी, यानी कि 5 घंटे। सो इसे देखते हुए दोनों भी मर्डर जो हुए वो रात के 2 बजे से लेकर 7 बजे के बीच हुए। अगर हम उस होटल में जाकर
रात के 2 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक का फुटेज देखेंगे तो शायद हमें कोई क्लू मिल सकता है। मुझे एक डाउट है। लगा था मुझे, मैं भी वही सोच रहा था कि अब तो कोई सवाल क्यों नहीं कर रही हो, पूछो। वैसे उन दोनों को मारने की वजह क्या हो सकती है? अरे मुझे क्या पता होगा, लेकिन एक बात तो साफ है, पति पत्नी एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने हमें बुक किया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि वो दोनों एक दूसरे के सामने वाले रूम में थे, तो मारने वाले के लिए भी आसानी हो गई। सबसे पहले इसको मारा होगा और उसके बाद दूसरे को। चलो टाइम हो रहा है, होटल में जाकर देखते हैं। भैया भैया, अगर तूने मुझे दोबारा भैया कहकर बुलाया तो मैं तेरा क्या करूंगा? तेरी वजह से मेरा 50 लाख डूब गया। क्या कहा, 50 लाख? अबे तू कौन से ध्यान में लीन हो गया? तेरा सौदा कितने का था ये बता। 20 लाख का। क्या कहा, 20 लाख? अबे कमीने, तूने किसी नौकर को नहीं मारा है, एक बड़े बिजनेसमैन को मारा है, यही तो तेरा निकम्मापन है। अबे कम से कम 50 साल की बात तो करता। भैया वो लेडीज थी ना, उसने रिक्वेस्ट की थी मुझसे। उसकी बातों में पिघल गया तू? जो अपने पति को मारने की डील करती है वो कैसी होगी? तेरी तो मैं वैसे तूने उसे मारा कैसे? वो तो आपने सिखाया था ना भैया, पहले तो उससे कांटेक्ट किया, फिर टारगेट किस होटल में, किस रूम में, किस टाइम पर आएगा, ये सब जानकारी ले ली। फिर मैंने भी उसी होटल में रूम बुक किया और उसके बाद माइकल को फोन करके सीसीटीवी हैक करने को कहा। और उसके बाद बस कर, बस बस, मैं सब समझ गया हूँ। मर्डर भी तू कॉपीकैट की तरह करता है क्या? मतलब भैया आपने भी? अरे हाँ मैंने भी। मुझे गणेश बता रहा था कि सीसीटीवी को वहाँ कोई हैक कर रहा है, पर मुझे नहीं पता था कि वो कांड करने वाला तू है। आपने ही तो मुझे सिखाया था भैया, आपके कदम पर कदम रखकर चलना। और तो एक शब्द बोला ना तो चप्पल से धुलाई कर दूंगा तेरी। मुझे इस बात की हैरानी है कि हम एक ही होटल में एक दूसरे के बगल में रहकर एक साथ 70 लाख रुपए कमा बैठे। चप्पलें खुद को मारनी चाहिए, धुलाई तो हमें अपने हाथों से खुद की करनी चाहिए। वैसे उसका रूम नंबर कितना था? 3112। और मेरा था 3113। हमारा रूम ऐसे ही आसपास था, इतने नजदीक। इस दुनिया में हम जैसा फूतिया यानी कि चूह कोई और हो सकता है क्या? सॉरी भैया। ओह सॉरी। वैसे तुझे तो मैं उसमें डाल के, ये भगवान इनकी गालियों से बचा लो मुझे। जब पुलिस वाले और मीडिया वाले यहाँ नहीं है तो होटल वालों ने शायद डेड बॉडीज देखी नहीं होंगी। क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, पेन ड्राइव तो खरीद ली, अब इसमें सीसीटीवी फुटेज कैसे लूँ वही सोच रहा हूँ। मैं लाती हूँ। अच्छा तुम लाओगी क्या? बस देखते जाओ। हेलो। हाय मैडम। हेलो सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैंने रूम बुक किया है, मुझे की चाहिए। ओके सर, आपका नाम क्या है सर? फनेंद्र। ओके। ए मिस्टर। ए सर, सॉरी सर, अभी दो यार। सॉरी सॉरी सर, सर हैव अ गुड नाइट सर। इडियट, कम बेबी, लेट्स हैव फन। हेलो हेलो मैडम, आप यहां कैसे, बताइए आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? मुझे एक छोटी सी हेल्प चाहिए, करोगे क्या? मैडम आप कहो तो ये होटल आपके नाम कर दूँ, छोटी हेल्प क्या, बड़ी हेल्प भी करूँगा मैं, बस बोलिए क्या चाहिए आपको? थैंक यू। आपको ये काम फ्री में करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो पैसे भी ले सकते हो। आप बहुत ही अच्छी है मैडम, है ना? बोलिए ना क्या करना है। पेन ड्राइव? हाँ बोलो भाई। अरे वहाँ की सिचुएशन क्या है?
कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ सब नॉर्मल है। ठीक है, अगर वहाँ पुलिस आती है तो मुझे फौरन फोन करना। भैया आपने वहाँ लोगों को तैनात करके रखा है? नहीं रे, कुत्ते को पाला है। वो वहाँ से भौं भौं करके, वहाँ कुछ भी होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे दे देगा और बदले में भौं भौं करके मैं उसका जवाब दे दूंगा। सॉरी भैया। सवाल करने से पहले सोचा कर कि क्या पूछ रहा है तू। वहाँ जो भी होगा बस हमें उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहनी चाहिए, उसे जानने के लिए हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया, अभी तक आई क्यों नहीं? जाके तो काफी टाइम हो गया इसको। ले आई हो? कैसे? दरअसल होटल के रिसेप्शन पे मेरा एक वेलविशर है। अरे बाप रे। एक्चुअली रात को क्या हुआ था पता है? हेलो मैडम, अब तक बहुत सहन कर चुका हूँ, अब कुछ सुनने का टाइम नहीं है, चलो चलते हैं। भैया भैया। अरे क्या हुआ? क्या भैया भैया भौंक रहा है? टाइम बहुत हो गया भैया, भूख लग रही है, कुछ खाना खा लेते तो। खाना खाएगा तू? अबे 70 लाख रुपए गंवा कर तुझे भूख लग रही है? तुझे तो सदमा लगना चाहिए था। पैसे गंवाने का दुख मुझे भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, लेकिन हम उपवास तो नहीं कर सकते हैं ना? जब मैं इंसान हूँ तो मुझे भूख तो लगेगी ना। हा, कितने मीठे स्वर में बोल रहा है बेटा, तू सारी बेकार की हरकतों में एकदम नंबर वन है। मुझे भूख नहीं लगी है, तू कहीं और जाकर खा और खा कर मर जा, अब निकल यहाँ से तू। आप ऐसा क्यों बोलते हो भैया, प्लीज साथ में चलो ना भैया। देख मुझे भूख नहीं लगी है, फिलहाल तू मेरे सामने से निकल जा। भैया अगर आप मेरे साथ नहीं आएंगे ना तो मेरी माँ यानी कि आपकी बुआ की आपको कसम है। आप क्या सोच रहे हो भैया? कुछ नहीं सोच रहा, ये सोच रहा हूँ कि तुझ पर भरोसा करके अगर मैं तेरे साथ जाऊंगा तो मेरा भविष्य क्या होगा। भैया आपके भविष्य का कुछ नहीं होगा, 100 में से 50% गारंटी मैं लेता हूँ, आप आइए चलिए मेरे साथ। ए, चल जा, जा। तू आगे जा, मैं पीछे से आता हूँ। ये ऊपर वाले, इसकी वजह से मेरा अब कोई नुकसान ना हो बस इतना देख लेना, मदद करना प्रभु। वहां देखो, जरा फॉरवर्ड करो। हाँ कर रहा हूं। वारे कमीना, क्या दिमाग लगाया है। सीसीटीवी फुटेज में करीब रात के 2 बजे से लेकर 3 बजे तक की यानी 1 घंटे की फुटेज मिसिंग है। इसका मतलब हत्यारे ने सीसीटीवी कैमरा हैक करके सिर्फ उसी के आने जाने का फुटेज डिलीट किया और बाकी सब कुछ वैसा ही रखा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, मारने वाले ने एक ही टाइम पर दोनों को कैसे मारा होगा? वो ऐसे, क्योंकि एक इंसान चाहे जितनी भी देर जगे लेकिन 3 से 4 बजे तक के बीच वो गहरी नींद में चला ही जाता है, क्योंकि वो समय उसके सोने का होता है। सो वो लोग जानते थे उस वक्त वो सो रहे होंगे और अपना काम निपटा के चले गए। लेकिन रूम में एंटर करने के लिए चाबी? जो सीसीटीवी फुटेज को हैक कर सकता है उसे चाबी की क्या जरूरत है। तो अब हम इस झमेले से कैसे बाहर निकले? जहां तक मैं समझ रहा हूँ हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं। पहला, पुलिस को चकमा देना। दूसरा, हत्यारों को ढूंढ निकालना। और तीसरा, इस शहर को छोड़ के भाग निकलना। बेस्ट चॉइस यही है 3 नंबर, कि इस शहर को छोड़कर कहीं चले जाते हैं। कहीं और कहां? अरे यार, कहीं दूसरे राज्य में या दूसरे देश में, या जरूरत पड़े तो हिमालय में जाकर संन्यास धारण कर लेंगे। अगर तुम साथ आना चाहती हो तो आओ, नहीं तो तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। मुझे सोच समझ के जवाब देना। ओए कहाँ जा रही हो? वॉशरूम जा रही हूँ। फिर से एक बार देखूं क्या? भैया आओ यहाँ बैठो। पहले तू बैठ। ए बच्चे इधर आ। हाँ बोलिए सर।
एक प्लेट देसी मुर्गे की बिरयानी और दो मटन बिरयानी। बिरयानी कैसी होती है जानता है ना? गरम होनी चाहिए, धुआं धुआं उड़ना चाहिए, समझ गया ना? भैया आपको क्या चाहिए बता दीजिए। सर ओ भाई मुझे कुछ भी धुआंधार नहीं चाहिए, बस दो तंदूरी रोटी और साथ में पालक पनीर की सब्जी ला देना, अगर ठंडी होगी तो भी चलेगा। ओके सर। जो होगा होने देते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। चलो चलते हैं। अब क्या करें? कार्तिक तुम ही हो ना? तुमसे पूछ रहा हूँ, कार्तिक तुम ही हो ना? हाँ जी जी सर। पासपोर्ट इंक्वायरी के लिए आया हूँ। पासपोर्ट? तुमने पासपोर्ट अप्लाई किया था ना, वेरिफिकेशन करना है। नहीं सर, मैंने तो कोई पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया। अप्लाई नहीं किया? नाम कार्तिक, फ्लैट नंबर 24, स्ट्रीट नंबर 6, माधापुर। सर ये स्ट्रीट नंबर 5 है, बाजू वाला 6 है। बाजू वाला? सॉरी भाई। हाँ यहां ज्यादा देर रुकना सेफ नहीं है, चलो ठीक है। चलते हैं यहां से। देखने में तो सब अच्छा ही लग रहा है, तू जा हम खुद ले लेंगे। ठीक है सर। आप भी ले लो भैया। ए इधर आ। इतनी जोर से क्यों चिल्लाया तू? बिरयानी में चींटी है भैया, ये भी कोई तरीका होता है क्या? बिरयानी में चींटी कैसे खाऊंगा? अरे वो मेरे भाई, तेरी प्लेट में रखा हुआ है मुर्गा, तो साथ में छोटी सी चींटी नहीं खा सकता? उसमें हड्डी नहीं होती, आराम से चबा सकता है तू। मुंह बंद करके खा ले चुपचाप। बंद करके कैसे खाऊं? तेरी तो ऐसी की तैसी, क्या बोला रे तू? कुछ नहीं, खा रहा हूं। ओके सर, थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होने वाली है, मैं वहीं पर आ रहा हूं सर। ओके सर। ओके ओके सर। हाँ सुबह से रूम 211-4-2115 वाले डोर ओपन नहीं कर रहे हैं, मैंने बहुत आवाज दी लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। ओह ऐसी बात है सर। ठीक है तुम जाओ, मैं देख लूंगा। ओके सर। अबे क्या है ये, किस तरह से खड़ा है तू? अबे वो मुर्गा और बकरा मर गया ना, तो तू उन्हें ऐसे क्यों खा रहा जैसे उन्हें फिर से मरना पड़ेगा? जंगल के बाघ शेर भी तेरे जैसे नहीं खाते। अरे चुप रहो ना भैया, मुझे नजर मत लगाओ। नजर? ओ बुआ मरियम, मैंने भाई मांगा था, ये बकासुर क्यों दे दिया मुझे? तेरी हरकतों से लगता है कि तू नींद में भी ऐसी कचर कचर खाता होगा। क्या हुआ, हड्डियों को ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं रे कुछ भी नहीं हुआ मंडेला, अगर इन हड्डियों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दूं तो डॉक्टर भी ये नहीं बता पाएगा कि ये कौन से जानवर थे। इनका पूरा नाम और निशान मिटा दिया तूने, आज के बाद तू कभी अपने साथ मुझे खाने पे मत लेकर आना भैया। सर हाँ बिल तो ठीक है, लेकिन फिंगर बॉल कहाँ है? सर वो सर वो नहीं, पहले फिंगर बॉल लेकर आओ, उसके बाद बिल पे करूंगा। सॉरी सर अभी लाता हूँ। आ जाओ। अरे अब तुझे फिंगर बॉल चाहिए? बगल में वॉश मशीन है, जाके हाथ नहीं धो सकता है क्या? कहाँ जा रहे हैं, बैठिए। हम बिल पे कर रहे हैं ना, थोड़ा डिग्निटी दिखाना जरूरी है, नहीं तो वो ऐसा सोचेंगे कि हम लोग गांव से आए हुए हैं। आप चाहते हैं ऐसा हो? वो अच्छा ऐसी बात है और क्या।
फिर तो सही बात है, हो सकता है मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो, लेकिन इन्हें देखते हुए लगता है कि ये आने वाले समय में इंसानों को भी खा सकता है। तुझसे मुझे बहुत सावधान रहना पड़ेगा। कार्तिक एक बार बाइक रोको ना। क्यों, क्या हुआ? मुझे बहुत भूख लग रही है कार्तिक, हम खाना खाएं। खाना खाना है क्या? हाँ हाँ कार्तिक, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। तुम समझ रही हो हम किस मुसीबत से गुजर रहे हैं और तुम्हें खाना है? प्लीज कार्तिक समझो ना। ठीक है, आगे कोई होटल मिलता है तो देखते हैं, आओ बैठ जाओ। थैंक्स। क्या हुआ? हाँ, उस टी शर्ट वाले को मैंने कहीं पर तो देखा है। अरे ये लड़का उस रात उसी आंटी के साथ सोया था। भैया, और वो लड़की होटल में अंकल के साथ सोई थी। ये सिंबल सीसीटीवी फुटेज में। अरे बाप रे, बाप रे बाप, जरा आओ तो। अरे उसने हमें शायद पहचान लिया है। चल गाड़ी भगा। चल 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 जल्दी, निकल निकल निकल। अरे चुप बैठो ना भैया। अबे भगा ना। ए गाड़ी रोक। अरे वो हमारे ठीक पीछे दौड़ रहा है। अबे बैलगाड़ी की तरह क्यों चला रहा है? मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन ये भाग ही नहीं रही है। अबे गाड़ी रोक। अबे गाड़ी गधे के जैसे चल रही है, और अगर उसने हमें पकड़ लिया ना तो समझ ले कि तू मेरे हाथों खत्म हो जाएगा रे मंडेला। अब हम लोग सेफ है ना? देख मैं तो सेफ हूँ, पर तेरा क्या है क्या नहीं वो तो घर जाके पता चलेगा। ऐसा क्या है भैया? अबे गाड़ी चला तेज। वो लोग कौन है कार्तिक? उनके पीछे क्यों भाग रहे हो? मर्डर करने वाले वही लोग हैं। सर, 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 मैडम, 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 सर, उस रूम में भी मैडम को किसी ने मार दिया। क्या कहा? हाँ सर। ओह माय गॉड। हेलो पुलिस स्टेशन। देसी मुर्गा, मटन, फिंगर बोल, मंडेला। तूने एक सुअर की तरह मुर्गे और बकरे को खाया,
फिर हाथ धोने के लिए तुझे फिंगर बोल ही क्यों चाहिए था? वॉश बेसिन तो था ना वहाँ पे। अगर पानी नहीं मिलता तो उंगलियां चाटते हुए चला आ सकता था ना। तेरी वजह से 5 मिनट लेट हुए हम और उसने हमें पहचान लिया। अबे आखिर में तूने एक अच्छा सा वर्ड बोला डिग्निटी डिग्निटी। अबे जिंदगी तो सुअरों की तरह गटर में काट रहा है और डिग्निटी 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 चाहिए। डिग्निटी दिखाएगा। डिग्निटी 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 डिग्निटी। क्या कहा था? बिरयानी धुआंधार होनी चाहिए। अब बिरयानी में नहीं बेटा, तेरी जिंदगी में धुआं आएगा। तेरी तो धुआं धुआं ले धुआं धुआं धुआं। तू रुक जरा, ये फोन अटेंड कर लूं। अरे भाई बोल। भाई पुलिस आई है, क्या करूं? अबे तो तू वहां पे क्या कर रहा है? निकल वहां से। ठीक है भाई। ए सुन, वहां पुलिस भी आ गई है। अगर पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया तो, और फिर उन्होंने अगर हमारे बारे में बता दिया तो, और फिर पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो, ये सारा ड्रामा सिर्फ तेरी वजह से खड़ा हुआ है मंडेला। तू गया, तू खत्म हो गया, तू नहीं बचेगा। कार्तिक, हत्यारे वही लोग हैं, तुम्हें कैसे पता? दरअसल मैंने सिर्फ हमारे कमरे के बाहर का सीसीटीवी चेक नहीं किया, बल्कि थोड़ी देर और बैठकर होटल के बाहर का भी सीसीटीवी फुटेज चेक किया। बाप रे। भविष्य भविष्य बोल रहा था ना तू? 100 में से 50% गारंटी बोली थी ना, और आखिर में ऐसा कर दिया तूने। अरे मेरी पार्टी को मैं घर पर बुलाने की बजाय तेरे बारे में जानकर भी मैं आया हूँ, देख ले। अब ऐसा लग रहा है भैया कि अपनी चप्पल से मैं खुद को मारूं। अबे ये बता, आंटी लड़के को लेकर आई और अंकल लड़की को लेकर आए, तो फिर वो दोनों एक कैसे हो गए बे? कैसे? हाँ तो क्या? अबे हाँ तो क्या, तू कलूटे पैसे। भैया भैया भैया, ऊपर वाले यहाँ क्या चल रहा है कुछ तो बता दे प्लीज। भैया मुझे एक डाउट है। अबे कौन सा डाउट है? आंटी के साथ लड़का था, अंकल के साथ लड़की, इसका मतलब कि वो दोनों कॉल बॉय और कॉल गर्ल हैं। ये बात तो मैं भी जानता हूँ रे, लेकिन जरा मेरा डाउट सोच। हा? वो दोनों एक कैसे हो गए? लवर्स हैं क्या? कलीग्स हैं क्या? फ्रेंड्स हैं क्या? इनमें से क्या है? क्या है? क्या है? क्या है रे? क्या है रे? मार मार के मेरी व्हाइट शर्ट को गंदा कर दिया। क्या है? अच्छा सुन रे, उन लोगों ने हमें पहचाना कैसे? अरे तूने वहां पर कोई क्लू तो नहीं छोड़ दिया? नहीं भैया। देख मैं तुझसे फिर से प्यार से पूछ रहा हूँ, अच्छे से याद करके बोलना, वहां कोई क्लू छोड़ा क्या तूने? नहीं भैया, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई क्लू नहीं छोड़ा है। मैंने होटल में जाने से पहले हाथ में ग्लव्स मुंह पे मास्क पहन लिया था, लॉक ओपन किया, अंदर जाकर क्लोरोफॉर्म मारा, फिर उसे मारकर वापस आ गया। सच में मैंने कोई क्लू नहीं छोड़ा है भैया। तो फिर उन्होंने कैसे पता लगाया? क्लू नहीं है, फुटेज भी नहीं है, तो कैसे? चाहे कोई कितना भी बड़ा शातिर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर ही देता है। कहीं मैंने तो कोई गलती नहीं कर दी ना? नहीं नहीं, पूरी शर्ट गंदी कर दी। अरे मंडेला, हाँ। मर्डर करने के बाद तूने अपना शर्ट चेंज किया था? अरे भाई बोलना कि तूने शर्ट बदली या नहीं बदली। मैं सच कहूं तो, अरे मेरे राम जी, तूने कितना बड़ा कांड कर दिया।
उसने तुझे पहचान लिया तुझे देखकर नहीं, तेरी टी शर्ट में बनी हुई इस निशान को देखकर। तू अब तक जिंदा क्यों है? हम जाकर पुलिस को तो बता सकते हैं ना कि हमने उन हथियारों को देखा है। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आ रही है, अभी टाइम 4 बज रहे हैं, सुबह से अब तक रूम नहीं खुला। होटल वाले रूम को देखेंगे और लाशों को देखकर पुलिस को बुलाएंगे, और पुलिस वाले आकर सीसीटीवी फुटेज में हम दोनों को देखेंगे। ये सब वहां पर चल रहा है। अगर मेरा अनुमान सही है तो इस वक्त पुलिस हम दोनों को सीसीटीवी फुटेज में देख रही होगी। थोड़ा जूम करो। अरे बाप रे, ये तो लड़की नहीं हत्यारी है। अगर इन लोगों को पता चल गया कि मैंने ही फुटेज दी है, फिर तो मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा। यहां से निकल लेना ही बेहतर है। जाओ। श्रीनु। सर। ये सारे फुटेज देखने के बाद क्या समझ में आ रहा है तुम्हारी? सर, बाहर से आंटी के रूम में एक लड़का और अंकल के रूम में एक लड़की घुसने के बाद सुबह के समय वो दोनों अपने कमरे से बाहर आते हैं और एक दूसरे के चेहरे को देखकर फिर वे अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वे दोनों अपने कमरे से बाहर आते हैं और इस बार दोनों एक ही कमरे में घुसते हैं। उस कमरे में कुछ देर रहने के बाद वे उस कमरे से बाहर निकलते हैं। रात के 2 से 2:30 तक के बीच की सीसीटीवी फुटेज मिसिंग है। सर, ये क्या चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। है ना? अगर हमें इन सभी सवालों के जवाब चाहिए तो पहले इन्हें ढूंढो। विकाराबाद शहर के पास नागारेड्डी गुड़ा नाम का एक छोटा सा गांव है। माँ, पिताजी, दीदी और 2 छोटी बहन हैं। मेरे पिताजी हमेशा से पीते थे। माँ ने ही बचपन से हमारी परवरिश की और दीदी की शादी भी उन्होंने ही करवाई है। पैसों के लिए मेरे खुद के पिताजी मुझे किसी के पास लेकर गए थे। ये जानकर मेरी माँ ने उनसे बहुत झगड़ा किया था। उस झगड़े में पिताजी की डेथ हो गई और माँ जेल चली गई। मैंने सोचा कि अब हेड ऑफ द फैमिली मेरे जीजू होंगे, लेकिन पैसों के लिए वो भी मेरी दीदी को धोखा देकर और बच्चों को अकेला छोड़कर चले गए। घर पर अब हम बस 4 लोग हैं। अब घर कैसे चलाऊंगी ये सोचकर मैं काम करने के लिए कपड़े की दुकान पर गई। उस दुकान वाले को मैं बहुत पसंद आ गई। मुझे लगा ये प्यार, शादी, ये सब बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन उसने मेरा इस्तेमाल सबके साथ करवाया। इस बात को किसी को बताने की हिम्मत नहीं हुई। बताने के बाद क्या ही होता पता नहीं। वैसे भी माँ बाप के झगड़े की वजह से धब्बा लगा ही हुआ था, और तब मेरे बारे में सुनते तो मेरी दीदी और बहनों का क्या होता। ये सोचकर मैं चुप रह गई। फिर से अगर कहीं काम के लिए जाऊंगी और मेरे साथ ऐसा ही हुआ तो? इसलिए अपने परिवार को पालने के लिए इस रास्ते को चुन लिया। यही रास्ता बचा था मेरे पास। यही वजह है जो मैं कॉल गर्ल बन गई। अब तुम अपने बारे में बताओ। मेरे बारे में बताने के लिए कुछ खास नहीं है। मैं तो एक अनाथ हूँ। बचपन से अनाथ आश्रम में ही पला बड़ा हूँ। डिग्री तक पढ़ाई हुई है। हॉस्टल का पैसा भर नहीं पाया तो हॉस्टल से बाहर निकल दिया। हर रोज रात को रोड साइड पर सोता था मैं। आजकल बहुत मुंह चला रही है तू। चुड़ैल जैसी तो शक्ल है, मेरे जैसा लड़का मिलना ही बड़ी बात है। जब देखो बिल्डअप देती रहती है। तू मुझे गाली देगा? अगर मैं तुझे छोड़ दूँ तो पता है क्या होगा? क्या हो जाएगा हा? मेरे बदले में किसी और को बुला लेगी, यही ना? हे, एक भी शब्द और बोला ना तो पता नहीं कि मैं क्या करूँगा। याद रखना, पता नहीं सुबह किसका मुंह देख के उठा था जो तू मिली मुझे। छी, जान है तेरी तो। अबे तेरी माँ, गंदी नाली का कीड़ा। ये कौन है और इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहा है? मैं
इतनी रात को यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? हाथ में बैग भी है? यहाँ पे किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? मेरा दुनिया में कोई नहीं है। यहाँ पे कोई नहीं है? वो कौन था जो आपको ऐसे गाली देके चला गया? अरे कुछ नहीं, वो एक कमीना था। तुम चलो आ जाओ। लेकिन क्यों? तुमने ही कहा तुम्हारा कोई नहीं है, तो तुम्हारे रहने खाने का पैसा मैं दूंगी। मतलब आप कोई जॉब दिला देंगी? हाँ, जॉब ही दिला दूंगी। चलो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलें क्या? उस रात से शुरू हो चुका मेरा ये सफर, देखो आज यहाँ तक मुझे लाया है। वो तो ठीक है, मैं तो अपने परिवार के लिए ये सब कर रही हूँ। तुम तो बाद में छोड़ सकते थे ना? हाँ, छोड़ तो दिया था। सोचा था कि एक नई जिंदगी शुरू करूँ। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे और कुछ थोड़े पैसे उधार लेकर बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा था। सारी चीजें रेडी हो चुकी थी, बस 10,000 की कमी की वजह से आज यहाँ पे आके अटक गया। हमें वो हथियारे मिल जाते तो अच्छा होता ना? मिल गए तो अच्छा होता था, लेकिन मिले ही नहीं ना। हम तो यहाँ पर हैं, लेकिन वो लोग कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे? अरे बाबे, वाह, क्या रिंगटोन लगाई है तूने? डियो डियो डचक डचक। किसका फोन है? माइकल का फोन है, पैसों के लिए कॉल कर रहा है। ए, पहले तू इस रिंगटोन को बंद कर, बंद कर। हेलो माइकल, मैं तुझे बाद में पैसे दे दूंगा, ठीक है, फोन रख। अबे तू आखिर पैसे देगा कैसे? उस लैंड को बेच कर देगा क्या? बोल ना। भैया वो लैंड आपके ही नाम कर दूंगा, लेकिन फिलहाल उस बात को साइड में रख के पहले हमारे बारे में सोचिए। तो वो बात भी मैं ही सोचूं क्या? अब तू कुछ भी नहीं सोच सकता है क्या? तुझे पता है अब तक हमने कितने मर्डर किए, लेकिन कभी पकड़ में आए क्या? लेकिन तेरी आज छोटी सी गलती से हम लोग पहचान में आ गए। तू मर्डर करना तो जानता है, लेकिन मर्डर करने के बाद कपड़े बदलना नहीं। मर्डर को छुपाना है तो होशियारी से काम लेना होता है। ऊपर से तेरी है नौटंकी। शेर के रास्ते में इंसानों को नहीं आना चाहिए, इसलिए इंसानों के रास्ते में शेर भी नहीं आता है भाई। ये सब तो पता है हमें, लेकिन मर्डर करने के बाद क्लू छुपाना भूल जाते हैं हम लोग। ये किया ना तूने? सॉरी भैया, मैंने जिसको मारा था उसके बगल में तो एक लड़की थी, उसने मेरी टी शर्ट को कैसे पहचान लिया? जहाँ तक मैं समझता हूँ, उन्होंने होटल के सारे CCTV की फुटेज देख ली होगी और तू उनमें से कहीं न कहीं जरूर नजर आया होगा। और तुझे पहचान कर वो लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं। अब तेरे साथ साथ अब मैं भी पकड़ा जाऊंगा। तूने मुझे भी फंसा दिया। उन लोगों ने तो दिमाग ही हिला के रख दिया। हाँ, उन लोगों ने दिमाग हिला दिया, लेकिन एक तू है जिससे कुछ भी नहीं हिलता। उसको मारने के बाद सोचा कि उस केस में वो लड़का फंस जाएगा। अगर पहले पता होता कि वो लड़का CCTV खंगालेगा तो उसको भी वहां पर मार कर आता मैं। अरे तूने भी मेरी तरह सोचकर उस लड़की को पिघल कर छोड़ दिया था ना? मतलब हाँ भैया। थूकता हूँ तेरी जिंदगी पे। तुझे कम से कम एक भी नया आइडिया नहीं सूझा क्या उस वक्त? हट, तेरी तो इसके दिमाग के सारे स्क्रू ढीले हैं। क्या हुआ, इतना क्या गहरा सोच रही हो? मुझे एक डाउट है। अरे माँ, तुम्हारे डाउट को कोटी कोटी प्रणाम। अब चलो चलते हैं। ए मधु, तुमने अपना फोन स्विच ऑफ नहीं किया? नहीं तो क्यों? अरे यार, फोन ऑन रहेगा तो पुलिस वाले हमें ट्रेस कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। फोन स्विच ऑफ करो, स्विच ऑफ करो जल्दी। मेरी दीदी फोन कर रही है। अरे दीदी फीदी छोड़ो, पहले फोन को स्विच ऑफ करो। बस एक बार बात कर लेती हूँ, मेरी दीदी कभी बेवजह फोन नहीं करती है। अरे मधु, तुम्हें कैसे समझाओ, समझ में नहीं आता। अच्छा जल्दी बात कर लो, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। हेलो दीदी। मधु कहाँ पर है तू? मैं बाहर हूँ दीदी, तू जल्दी वहाँ से निकल और सीधे गाँव आ जा। क्यों, क्या हुआ? अरुणा को पीरियड शुरू हो गया है। सच में दीदी? हाँ, और वो तुझे देखना चाहती है। तू जल्दी से आ जाएगी तो यहाँ का बाकी काम हो जाएगा। दीदी तुम फोन रखो, मैं अभी निकलती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। कार्तिक, मेरी बहन के पीरियड शुरू हो गए हैं, मुझे जल्दी से गाँव निकलना है। सबसे पहले उसके लिए ड्रेस, स्वीट्स और भी बहुत कुछ खरीदना है मुझे। चलो। मधु,
मधु मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसा तुम चाहती हो हम जाएंगे तुम्हारे गाँव। पर कैसे कार्तिक, बचपन से कितना कुछ सहती आई हूँ लेकिन मेरे परिवार की वजह से मजबूती से खड़ी रही और उनको पालने के लिए मैं एक कॉल गर्ल तक बन गई, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कोई दिन आएगा। अब गांव जाने के बाद वहां पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो क्या करूंगी, इसी का डर लग रहा है। मधु तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ ना, तो बस बोलो। जब तुमने मुझे भेजकर कहा कि 10 मिनट बाद आता हूँ और तुम आ भी गए, तब से मुझे तुम पर भरोसा है। ठीक है चलो खड़ी हो जाओ। चलो मधु तुम्हारी बहन के लिए शॉपिंग करते हैं। लेकिन पुलिस आ गई तो? पुलिस को तो बता दूंगा कि वो दोनों मर्डर्स मैंने की है और इस लड़की का उससे कोई संबंध नहीं है। ये क्या बोल रहे हो तुम कार्तिक? हाँ मधु तुम्हारे पास एक परिवार है, मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो चिंता करने के लिए तुम्हारे घर वाले हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो चिंता तो दूर की बात है, देखने वाला भी कोई नहीं है मुझे। और रही बात पुलिस की, तो मैं उन्हें बता दूंगा मैंने उन हथियारों को देखा और ये सब झेल लूंगा। कल तक तुम्हें कुछ भी हो जाए तो चिंता करने वाला कोई नहीं था कार्तिक, तो क्या आज भी नहीं है? श्रीनो बोलो। सर फुटेज में जो लड़की दिखी उसका नाम मधु है और लड़के का नाम कार्तिक है। इतना ही नहीं, आधा घंटा पहले उस लड़की के फोन पर एक फोन भी आया था सर। नंबर को ट्रैक करो और पता लगाओ कहां से कॉल आया था। ओके सर। और उनका लास्ट कॉल कहां से आया था वो लोकेशन भी जल्दी से भेजो। ओके सर। सर अब क्या करेंगे भैया? मैं तेरे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, तू अब मुझसे कुछ और मत पूछ, तुझे जो सही लगे वो कर, बस मुझे अकेला छोड़ दे। भैया आप कुछ कीजिए भैया, प्लीज भैया, प्लीज भैया, प्लीज भैया, प्लीज भैया, भैया। ठीक है खड़ा हो जा। देख अभी 5 बज रहे हो जहां तक मैं समझता हूं, और देखना मेरी बात सच होगी, पुलिस मर्डर की छानबीन शुरू कर चुकी होगी। अगर पुलिस ने उन्हें पकड़ा तो सबसे पहले वो हमारे बारे में जिक्र करेंगे, इसलिए तुझे पहली फुर्सत मिलते ही किसी सेफ जगह पे चले जाना चाहिए। हैदराबाद में अब तुझसे किसी का कोई फोन कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, और तुझे वापस कब आना है वो मैं डिसाइड करूंगा। ओके ना? ठीक है भैया, आप कहाँ जाओगे? अरे मैं कहीं भी जाऊँ कुछ भी करूँ तुझे क्या? अरे सुन तेरी वजह से मेरा डर बढ़ता जा रहा है मंडेला, ये सोच सोच के टेंशन में मारा जा रहा हूँ कि मेरे साथ पता नहीं कब क्या हो जाएगा। देख मेरे भाई मैंने आज तक अपनी जिंदगी में तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा है, लेकिन अब मांग रहा हूँ। जब तू यहाँ से जाएगा तो अपने पूरे सफर में कहीं भी बियर के लिए, किसी कॉफी के लिए, डोसा इडली के लिए, फुलका रोटी खाने के लिए कहीं भी नहीं रुकेगा, ये तू मुझसे वादा कर। ठीक है भैया, आप जैसा कहते हो वैसा ही करूंगा। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, वादा कर। मैं आपके सर की कसम खाता हूँ। ए यहाँ हाथ रख मंडेला, मेरे भाई मेरे बहुत प्यारे छोटे छोटे भाई, चल निकल, चल जा।
हे, ऊपर जाकर देखो। सर, उनका फोन बंद आ रहा है सर। सर, ऊपर भी कोई नहीं है सर। भाग गए यहां से। ड्रेस मेरी बहन को बहुत पसंद है। देखो, अभी के लिए छोड़ रहा हूं। अगली बार ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। समझ गए ना? सॉरी सर, हम फिर कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। जॉब। नहीं मिलेगा सोचा था, लेकिन मिल गया। अब जा, पुलिस स्टेशन का लॉकअप तेरा इंतजार कर रहा है। चल जा। जा 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 जा, निकल। हे सीआई, मुझे क्यों अरेस्ट किया है? मैं एसपी को जानता हूँ, डीएसपी को जानता हूँ, डीआईजी को जानता हूँ, डीडी को जानता हूँ। अगर मैंने एक फोन कर दिया ना तो मैं। चुप कर। तू कितनों को जानता है, कितनों को नहीं जानता है, क्या क्या किया है और क्या नहीं किया, सब जानता हूं मैं। और अगर एक भी शब्द बोला ना तो सीधा यहां ठोकूंगा। ए, इसे लॉकअप में डाल दो। सर, एक मिनट इधर आओ ना सर। मुझे आपने अरेस्ट क्यों किया है सर? लगता है अंधेरे में ठीक से देखा नहीं होगा। अंदर तेरा भाई भी है, उससे पूछ, वो बताएगा तुझे। छोटे भाई ने? ओ बाप रे मंडेला। ओ बेटा मंडेला, आ, थोड़ा नजदीक आ जा, बड़े भाई की बात नहीं सुनेगा। चंदा मामा आवे, चांदनी लावे, मेरा मंडेला आवे, मेरा मंडेला आवे। मैं तुझसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, तू पकड़ा कैसे गया ये बता दे। भैया दरअसल वो आपने जिस नंबर पे कहा था मैंने उस पे कॉल किया, उसने मुझे एक कार दी। कार में बैठते ही मुझे एक कॉल आया और मैंने उस फोन को रिसीव किया और उसके बाद हेलो। हाय जानू, कहाँ पर हो तुम? एक छोटे से काम के लिए गांव जा रहा हूँ, एक हफ्ते में लौट कर आ जाऊंगा। ठीक है। हाँ, गांव जा रहे हो और एक हफ्ते बाद लौट कर आओगे? उतने दिन तुम्हें देखे बिना रहना बहुत मुश्किल है जानू। सच कहूँ तो मैं भी तुम्हें देखे बिना रह नहीं सकता, लेकिन क्या करूँ, अर्जेंट काम है, थोड़ा समझा करो जानू। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है, तुम एक बार मुझसे मिलकर चले जाना प्लीज। ठीक है, बताओ कहाँ आना है, मैं आता हूँ।
कुछ ऐसा ही हुआ था। ए, इस सीन में बस तू और वो है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तू पकड़ा कैसे गया। That is my point. अच्छा ऐसा? हाँ, वैसा। उसे शॉपिंग करनी थी तो मैंने उसे शॉपिंग करवाई, उसके बाद कार में बैठते ही और क्या? बोलो ना। तुम ही बोलो ना जानू। हे एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। क्या हो गया जानू? बस एक मिनट में आती हूँ। लेकिन क्या हुआ? हेलो अरे पागल, तू यहाँ क्या कर रही है? सुबह कॉल किया तो तूने बोला कि बाद में बात करती हूँ, फिर कॉल क्यों नहीं किया? मधु, दरअसल कौन है ये? कार्तिक, ये मेरी फ्रेंड काव्या है। इधर आ। कौन है वो? बॉयफ्रेंड है तेरा? मुझे बताए बिना तू कब से प्यार करने लगी? हाँ देख, मेरे पास बताने के लिए इतना टाइम नहीं है, जाने दे मुझे। क्या हुआ है तुझे? इतनी जल्दबाजी में क्यों है? तू यहाँ क्या कर रही है? मैं ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ शॉपिंग करने आई थी। मतलब किशोर के साथ ना? हाँ वही। ठीक है, तू पहले कभी किशोर से नहीं मिली ना? यही रुक, अभी मिलवाती हूँ। काव्या, ए काव्या, अरे क्या यार? ए मधु, चलो जल्दी, हमें लेट हो रहा है। कार्तिक, अब क्या हुआ मधु? काव्या मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलाना चाहती है। बॉयफ्रेंड? मधु, अभी हम किस सिचुएशन में हैं और तुम क्या बोल रही हो ये सब? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता क्या? मधु आना। चलो चलो, बुला रही है, चलो चलो जल्दी चलो। किशोर, तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज जानू? बाहर आओ, बताती हूँ। ठीक है जानू, तुम्हारे लिए कुछ भी। मैं भी अपनी जान के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता हूँ। ये लोग यहाँ कैसे? जानता भी है मैं कितना प्यार करती थी तुझसे, आखिर तूने मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दिया? तेरे लिए उधार भी मांगा, तूने जब भी मांगे मैंने पैसे दिए, अच्छे कपड़े खरीद कर लाई, ये जो टी शर्ट पहना है वो भी तो मैंने ही खरीद के दी है। ये टी शर्ट तूने खरीद के दी है? हाँ यार, मैंने कितनी मुश्किल से लव का साइन बनाकर ये टी शर्ट दी थी। फ्रेंड हो तो तेरे जैसी, आज तेरी टी शर्ट की वजह से ये मिला है हमें। वो कैसे? मैं बताती हूँ ये। हेलो, अभी वो सब जरूरी है क्या? अब जरा 5 मिनट चुप रहोगी दोनों, तो मैं इससे बात कर लेता हूँ। चल बता, वो दूसरा वाला कहाँ है? जान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने भैया के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। जब वो तेरा भाई है तो तुझे नहीं लगता कि तेरे ना बताने पर भी मैं उसे ढूंढ लूंगा? मैं जानता हूँ तू कैसे बताएगा। चल निकल, छोड़ छोड़ छोड़। मैंने कहा छोड़। क्या बे, कहाँ घुसा रहा है? ओहो, तुझे मेरा फोन चाहिए ना? ए, इसीलिए मैंने पासवर्ड लगा के रखा है, जिंदगी में खोल नहीं पाएगा। मेरे भैया ने मुझे फोन करने के लिए मना किया, नहीं तो तेरा अब तक वो हो जाता। शुक्र कर अभी तक बचा हुआ है, नहीं तो कब का मार दिया होता। और तू चला हमें पकड़ने के लिए? हाँ, अब क्या करेंगे कार्तिक? अरे मैं भी तो वही सोच रहा हूँ, बस एक बार पासवर्ड मिल जाए तो इसके भाई को भी पकड़ सकता है। मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ पता है, फिर भी तूने मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दिया? हाँ? क्यों बे, जब हम दोनों ने तुम्हें देख लिया तो तुम लोग शहर छोड़कर जाने की बजाय यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे बुलाने पे आया था। ओ, तुम्हारे बुलाने पे आया? हाँ, तुम्हारा नाम काव्या है ना? हाँ। ये अब क्या करने वाला है? ये तो सच में तुम्हारा सच्चा प्यार है, तुम्हारे ही नाम से पासवर्ड डाल के रखा है। अब देखता हूँ तू क्या करता है। क्यों रे, तू कॉन्टेक्ट चेक कर रहा है क्या? उसमें 5,000 से भी ज्यादा कॉन्टेक्ट हैं, उनमें से मेरे भैया का नंबर कैसे ढूंढेगा? अबे थोड़ी देर पहले तो तूने बताया ना कि तेरे भैया का नाम नेल्सन है, भुलक्कड़ गईगा। मैंने ही बताया क्या? इसीलिए उन्हें पता चल गया भैया। तो तू इस तरह से पकड़ा गया मंडेला? आज तक सिर्फ सुनते आए थे कि औरतों के जाल में राज्य साम्राज्य सब कुछ उलट पलट जाता है मंडेला, लेकिन तूने आज ये साबित करके दिखा दिया कि तू शिकार हो गया उसका। अरे मेरे मंडेला भाई,
तू किसी के पकड़ में ना आए इसलिए मैंने तुझे कार दिलाई, लेकिन तूने तो खुद को ही पकड़वा दिया। ये भी बोला था कि कहीं पर रुकना मत रे और कभी किसी से मिलना मत। तूने मेरे हाथ पे हाथ रख के वादा किया था, लेकिन गधे तूने खुद अपने आप को पकड़वा के सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। तेरी तो मारपीट मत करो, क्या कर रहे तुम लोग? दोनों मारपीट कर रहे हैं तो करने दो ना, हम भी तो उनके साथ वही करने वाले थे, और अब जब वो हमारा काम खुद ही कर रहे हैं तो डिस्टर्ब क्यों करें? श्रीनु, जो हो गया सो हो गया, अब उसके बारे में सोचना बंद कर। चल हमें जाना है। मैं नहीं आऊंगी, तू जा। मेरी बात सुन काव्या, चल। मैंने कहा ना मैं नहीं आऊंगी। देख मैं कह रही हूँ कि मधु, चलो चलते हैं। लेकिन कार्तिक, चलो चलते हैं। ये खुद आ जाएगी, चलो। अपना ख्याल रखना काव्या। प्लीज भैया मत मारो भैया। इतना कुछ होने के बाद भी मैं तुझे ना मारूं? मैं तो सोच रहा हूँ तुझे खत्म ही कर दूं। मैंने तुझसे कितना प्यार किया और इतना प्यार करने के बाद भी तूने मुझे धोखा दिया। ये यहाँ क्या कर रहा है? तुम मेरे लिए यहाँ आई हो क्या रे? क्या तू इस लड़की से प्यार करता है? क्या हुआ भैया? अरे अरे बर्बादी के जुलूस के गधे। अरे ये कॉल गर्ल है। कमीने ने बता दिया। मैंने इसको कई बार कॉल कर कर के बुलाया है। अरे ओ भाई, ओ भाई, अरे क्या हुआ तुझे? अरे सांस ले। हाँ झपके। मैं कितना प्यार करता था भैया इससे। अरे तू भी यार। लेकिन इसने मुझे धोखा दे दिया भैया। अरे बाप रे। अरे तुझे प्यार करने के लिए मेरे भाई के अलावा तुझे कोई और नहीं मिला क्या? जानू जानू करके तूने हमारी जिंदगी सलाखों के पीछे कर दी। मारना तो इसे नहीं बल्कि तुझे चाहिए। ओ भाई, ओ मंडेला, ओ मेरे भैया, ओ भाई मंडेला, रे मंडेला, उठ जा रे मेरे भाई, उठ जा। कार्तिक, तुम्हारी बाइक वहीं पर रह गई। बाइक के बारे में बाद में सोचेंगे, लेकिन पहले हमारे बारे में तो सोचते हैं। हमारे बारे में? हमारे बारे में क्या सोचना है? तुम्हें मेरे बारे में पता है और मुझे तुम्हारे बारे में। क्या हम शादी कर लेते हैं? तुम मेरा ख्याल रखोगे ना? पहले तो ये डाउट करना बंद कर दो तुम, तो उसके बाद में सोचूंगा कि तुम्हारा ख्याल रखना है या नहीं रखना है। अरे ए! अच्छे से बात। ठीक है। हे मधु, ये सभी को बांट दो। दीदी मधु, ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, तू कैसी? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ दीदी। ये लड़का कौन है? ये वो मैं समझ गई, जाकर अपनी बहन से मिल। ठीक है दीदी। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ दीदी। तुम्हारा नाम क्या है? कार्तिक।
अरुणा दीदी मेरे लिए क्या लाए? ये देख, ये सब कुछ तेरे लिए है। थैंक्स दीदी। इसमें तेरे फेवरेट कलर की ड्रेस है। कितनी खूबसूरत लग रही है। अरे तो चटनी है, नमक नहीं है, मिर्ची नहीं है, टेस्ट नहीं है। क्या जिंदगी हो गई मेरी, टेस्टलेस लाइफ। चिकन फ्राई नहीं है क्या? नहीं है। और मटन फ्राई? वो भी नहीं है। कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसे खाने को इस दुनिया में कौन खाता है? खाने को ऐसे क्यों घूर रहे हो भैया? अगर भूख नहीं है तो बता दो, मैं आपके भी चावल खा लूंगा। ओ भाई मंडेला, तू आखिर में यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा ना, ले इसे पकड़। थैंक्स भैया, आप तो मुझसे बहुत प्यार करते हो। तू मरेगा तो ही मुझे चैन आएगा। ले ले और खाली खाली ले ले ले।